एक अरसे बाद कब साथ दिखे थे दोनों खान्स, क्यों अलग है करण अर्जुन। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त सुशीन आपका स्वागत करती हूं आपके ही पसंदीदा चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज में। सलमान और शाहरुख बॉलीवुड इंडस्ट्री के दो ऐसे एक्टर्स हैं जिनकी वजह से ना जाने कितने ही लोग बॉलीवुड सिनेमा से प्यार करते हैं। 90s से अपना करियर स्टार्ट करने वाले ये दोनों ही एक्टर्स आज फैंस के दिलों पर राज करते हैं। अब इतने सालों बाद साथ आने की इनकी खबरें आ रही हैं। 1995 में बनी मूवी करण अर्जुन के सीक्वल से इस जोड़ी का कमबैक होना था, ये तो तय था। लेकिन इसका आइडिया कैसे आया ये बात इंटरेस्टिंग है। तो आपको बता दें कि अब से कुछ साल पहले पठान की शूटिंग स्टार्ट हुई थी और आपको पता ही है कि सलमान पठान मूवी में एक कैमियो करते हुए नजर आएंगे। उसी वक्त पठान के सेट से सलमान और शाहरुख की कुछ फोटो सोशल मीडिया पर रातों रात वायरल हो गई। फैंस की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। तभी आदित्य के दिमाग में आइडिया आया कि 1995 के क्लासिक करण अर्जुन का सीक्वल बनाया जाए। सलमान और शाहरुख बहुत अच्छे दोस्त थे, यहाँ तक कि फिल्म करण अर्जुन के वक्त करण के रोल के लिए सलमान का नाम भी शाहरुख ने ही रिकमेंड किया था। लेकिन 21 जुलाई 2008 को कुछ ऐसा हुआ कि दोनों खान्स एक दूसरे से मिलना तो दूर, एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते थे। सालों तक ये वॉर चली, लेकिन फिर एक दिन खबर आई कि दोनों के बीच सब सही हो गया है। लेकिन लड़ाई ऐसी थी कि किसी को इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ। फिर एक बिग बॉस के सीजन 9 में एक एपिसोड के दौरान सलमान और शाहरुख को एक साथ एक दूसरे की मूवीज को प्रमोट करते देखा गया। फिर तो फैंस में जैसे खुशी की लहर उमड़ गई। करण अर्जुन मूवी जो कि राकेश रोशन साहब ने बनाई थी वो बाकी मूवी से बहुत अलग थी, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है, इसका जवाब बहुत ही कम लोग के पास है। इस मूवी की स्टोरी ऐसी थी जिसमें सलमान और शाहरुख को भाई दिखाया गया, जो कि शायद इन दोनों खान्स के हर फैंस का सपना था। साथ ही ये एक लौती फिल्म है जिसमें सलमान और शाहरुख पूरे टाइम एज अ हीरो रहे। बाकी सलमान और शाहरुख ने साथ काफी फिल्म्स की हैं, जैसे कुछ कुछ होता है, हर दिल जो प्यार करेगा, जीरो। लेकिन इन सब मूवीज में ये दोनों एक दूसरे के साथ कैमियो रोल में ही नजर आए। लेकिन करण अर्जुन एक ऐसी फिल्म थी जहां इनकी केमिस्ट्री अनबीटेबल थी। आप हमें बताएं कि आपको क्या लगता है, सलमान और शाहरुख का कमबैक रिकॉर्ड तोड़ेगा? उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ऐसे ही कुछ बॉलीवुड की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।